तो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वॉचिंग स्टडी विद अभिषेक। तो दोस्तों, आज अभी से कुछ दिन पहले मैंने दो स्टोरी पोस्ट किया था आप लोगों के लिए, दो स्टोरी बताया था दो वीडियो के माध्यम से आप लोगों से, जो कि स्टार 1 के कैंडिडेट्स थे। फेज 2 में उन्होंने जो फेस किया था और उन्होंने जो बताया था आप लोगों के लिए डिटेल कि कैसे क्या करना है उन सब के बारे में, और उस पर आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा, इतना प्यार मिला कि ये मैं तीसरी स्टोरी अभी बनाने जा रहा हूँ। और देखिए, ये लास्ट है क्योंकि मुझे लग रहा है कि लास्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस बंदे ने बताया है ना, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। इनका नाम है परमेंद्र शेखावत, और इन्होंने जिस तरीके से हर डाउट को क्लियर कर दिया है, इसके बाद आपके मन में अगर एक भी डाउट रह जाए ना, तो फिर बोल देना मुझे कि हाँ सर, मेरे मन में ऐसा कुछ है या फिर कोई डाउट है। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से बताया है ना, मतलब मेरा दिल खुश हो गया इन पे, और इनको दिल से थैंक यू बोलता हूँ मैं कि आपने शेयर किया मेरे साथ सब कुछ, हर हर एक चीज़ को बताया। तो आप लोग बने रहो वीडियो में, मैं अब ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, सीधा ले चलता हूँ आप लोगों को वहाँ पे। तो हम लोग इंस्टाग्राम पे आ गए हैं इन्होंने जो बताया वो उन सब उस स्टोरी के पास। लेकिन एक और बात, उससे पहले मैं बोलूँगा कि इसको एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये लास्ट है, ये लास्ट स्टोरी है जो फेज 2 के कैंडिडेट्स के लिए मैंने बनाना शुरू किया था। तो इस पर एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना, और अभी तक नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इन्होंने लिखा, हेलो ब्रदर, यू आर डूइंग ए ग्रेट वर्क ऑन यूट्यूब। थैंक यू यार, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए भी, और आपने जो स्टोरी शेयर की उसके लिए भी, ठीक है। आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट माई फेज 2 एक्सपीरियंस ऑफ द इनटेक 1 2019। ठीक है भाई, तो इन्होंने ये सब लिखा है। आगे ये इनकी तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। भाई, मेरा फेज 2 की डेट थी 4/6/18, मतलब 4 तारीख को इनका फेज 2 था, 4 जून को, ठीक है, 5 ASC जोधपुर में, मतलब जोधपुर में। उसके बाद सुबह 5:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम, मैं टाइम से पहले ही पहुंच गया था, तो वहाँ चेयर्स अरेंज थी। ये सब मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सबको पता है, उन पे सब सबके चेस्ट नंबर रखे हुए थे, मतलब वहाँ पे चेयर्स अरेंज थी, वहाँ पे चेस्ट नंबर रखे हुए थे, ठीक है। एंड अपनी अपनी चेस्ट नंबर वाली सीट पर बैठना था, ठीक है। बैठते ही कहा गया कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी जो भी मांगे हैं, जैसे कि 10, 12 की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, NCC इफ़ एनी, फेज 1, फेज 2 एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब निकाल लें, अगर NCC के सर्टिफिकेट हो तब। उन्होंने सब चेक किया, फिर चेस्ट नंबर पहनने को कहा, ठीक है। उसके बाद जब ये सब हो गया तो 125 125 के बैच बनाए, मतलब 125 125 के दो बैच बनाए शायद, ठीक है। उसके बाद उन्हें एक लाइन में लगा के ग्राउंड की साइड ले गए। अच्छा, थोड़ी सी दूर पे जाके इंस्ट्रक्टर दिए गए इंस्ट्रक्शन दिए गए कि रनिंग में पुश वगैरह नहीं देना है एंड ऑल। अच्छा, मतलब किसी को पुश नहीं करना है, इधर उधर मतलब धकेलना नहीं है किसी को, ठीक है। फिर 10 10 बच्चों की लाइन बना के खड़ा किया स्टार्टिंग लाइन पर। अच्छा, और कहा कि जब रेड फ्लैग शो किया जाए, जो कि कमांडिंग ऑफिसर की जीप में था, तब स्टार्ट करना है रनिंग। अच्छा, तो आप लोग ये समझते जाना। एंड बताया गया कि रेड फ्लैग जब तक डाउन नहीं होगा फिनिश लाइन पे, तब तक आपका टाइम ओवर नहीं होगा, सो जब तक फ्लैग ऊपर है कंटिन्यू रनिंग। अच्छा, फिर जब रनिंग कंप्लीट हुए तो जो पास हो गए उन्हें लाइन में लगाया एंड ग्राउंड की तरफ जॉगिंग करवाते हुए ले गए। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, वो पूरे 6 मिनट 30 सेकेंड का टाइम देते हैं, लास्ट सेकेंड तक लेते हैं, मतलब जो 6.5 मिनट का टाइम है वो पूरा आपको मिलता है। फिर ग्राउंड में ले जाने के बाद वहाँ एक इंस्ट्रक्टर ने सारी फिजिकल एक्सरसाइज का डेमो दिया। अच्छा, मतलब आपको वो पहले बताएंगे कैसे करना है, जैसे कि पुशअप की करेक्ट पोजिशन क्या है, सिटअप्स कैसे मारनी है एंड वो क्रंचेस भी, ठीक है। सिटअप्स और उठक बैठक के टाइम फीट में थोड़ा गैप होना चाहिए एंड हील उठनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग समझ लेना, पूरा फीट ग्राउंड से टच होना चाहिए एंड क्रंचेस में सीधा लेटा देते हैं ग्राउंड में, हैंड्स स्ट्रेट बिहाइंड नेक क्रंचेस मारते टाइम आपके, वहाँ से हाथ लाने हैं एंड अपने टूज पे टच करने होते हैं, लेग्स ग्राउंड के टच होने चाहिए, सब कुछ इंस्ट्रक्टर की विसल पे करना है, मतलब वो लोग विसल जैसे ही बजाएंगे आपको उस पे करना है।
एंड वहाँ हर तरफ एयरफोर्स के बंदे होते हैं जो आप सही कर रहे हो या नहीं चेक करते हैं। जो गलत कर रहा होता है उसका चेस्ट नंबर नोट कर लेते हैं, मतलब अगर आप गलती कर रहे हो तो उसका चेस्ट नंबर नोट होगा आपका, मतलब इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लास्ट में उनसे वापस सेपरेटली करवाया था, जिसने वहाँ सही कर दिया वो पास। मतलब अगर आपका नोट कर रहे हैं तो उसे घबराना मत आप, क्योंकि वो फिर से आपसे सेपरेटली करवाएंगे और अगर आप पास हो गए तो आपको ले लेंगे। फिर पास को बस में बैठाते हैं एंड वापस वहीं ले जाते हैं जहाँ पे पहले बैठे थे, ठीक है। वहाँ से अपने सारे सामान के साथ एक हॉल में ले जाते हैं, वहाँ चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको लाइंस में बैठा देते हैं। फिर SRT होता है, जैसा कि आप जानते हो, 45 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स। हाँ, तो ये तो पता है सबको। वो कंप्लीट होने के कुछ देर बाद रिजल्ट बताते हैं, पास्ट वहीं रहते हैं, फेल को बाहर कर देते हैं। फिर आपके डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपीज के सेट बनवाते हैं, उसके उस पर आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल वगैरह लिखवा देते हैं। वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद नाश्ते के लिए भेज देते हैं। फिर उसके बाद एक एक करके आपके सारे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होता है। वाइट बनियान में पिक लेते हैं आपके ग्राउंड ग्रुप नंबर के साथ। अच्छा, आपका थंबप्रिंट वेरीफाई होता है, जैसा कि एग्ज़ाम के टाइम पे आप वेरीफाई कर रहे थे इस बार, वैसे ही। इसी के साथ साथ GD के लिए 15 के बैचेस में बुलाते हैं, ठीक है। GD में 15 कैंडिडेट सेमी सर्कल में बैठे रहते हैं, मतलब कि ऐसे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों से, और इंस्ट्रक्टर जो हैं यहाँ पे बैठे रहते हैं, आप लोग समझ गए। एक कमांडिंग ऑफिसर होता है उस हॉल में, एक सर्जेंट होता है। अच्छा, दो लोग मैंने बताया था आप लोगों को। फिर वो आप में से एक को बुला के 15 पेज देते हैं, वो सब में बट जाते हैं, मतलब किसी एक को बुला करके वो बांटने के लिए देते हैं। उन्हें रीड आउट करने के लिए 5 मिनट मिलते हैं, मतलब आपको सेपरेटली 5 मिनट सबको एक साथ ही अपना रीड कर लेना है 5 मिनट में। हमारा टॉपिक रफ ड्राइविंग एमोंग यंगस्टर्स पे था, तो टॉपिक आप देख लिए, टॉपिक भी इन्होंने अपना बता दिया है। उसके बाद 5 मिनट के बाद वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एक एक करके आप पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे एंड फिर अपने टॉपिक पे व्यूज़ रखें। अच्छा, मतलब अपना 5 मिनट आप जैसे पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको बोलेंगे कि एक एक करके अपना पहले इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। तो सबको पहले इंट्रोडक्शन दे लेना है, उसके बाद अपना व्यूज़ रखना है, ठीक है। उसके लिए सबको 2 मिनट मिलते हैं, मतलब आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है व्यूज़ रखने के लिए। इंट्रो में हमसे तो बस अपना नाम, फादर्स नेम एंड फादर्स ऑक्यूपेशन ही पूछा था। मतलब देखिए, जो इंट्रो के लिए ज़्यादा आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करके नहीं जाना है, आप बस अपनी जो छोटी छोटी डिटेल हैं उन्हीं को बताना है। इन्होंने तो सिर्फ अपना नाम और अपने फादर का नाम और फादर का ऑक्यूपेशन बताया था कि वो क्या करते हैं, ये सब चीज़ें। तो यही आप लोग समझ सकते हैं कि इंट्रो कैसे देना है आपको। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है वहाँ पे, कि बहुत सारा ऐसा नहीं है कि 2-3 मिनट तक इंट्रो ही देना है, तो ठीक है, समझ गए आप। जब सबने बोल दिया तो आपस में डिस्कस करने को कहा, जो अच्छा बोल रहे थे उन्हें या फिर उन्हें जो ही बोल रहे थे उन्हें सुनने के बाद सर ने कहा कि आप चुप हो जाइए, बाकियों को डिस्कस करने दो। अच्छा, उन्होंने अपनी साइड हर एक इफ़ॉर्ट किया कि सब बोलें। अच्छा, मतलब वो चाहते थे कि सब लोग बोलें, चाहे थोड़ा बोलें या ज़्यादा बोलें। फिर GD के बाद वापस वहीं भेज देते हैं जहां सुबह बैठे थे। फिर लंच होता है, 2 घंटे बाद रिजल्ट आता है, मतलब आपके GD के 2 घंटे बाद आपका रिजल्ट आता है। जो फेल हो जाते हैं उन्हें भेज देते हैं एंड बाकियों को मेडिकल के फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, ठीक है। एंड इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो ठीक करवा के आना, पूरा बॉडी के हेयर साफ़ होने चाहिए एंड जब सब हो जाता है तो फ्री कर देते हैं। मतलब आपको जो इंस्ट्रक्शन मेडिकल के लिए दिया जाता है वो सब चीज़ें बताई जाती हैं इसके बाद, ठीक है। अब अगर पासिंग रेशियो की नंबर बताऊं तो यहाँ पे इन्होंने पासिंग रेशियो भी बताया। मेरे 125 के रनिंग के बैच में 101 पास हुए थे, तो काफ़ी अच्छा रेशियो है। 125 में से 24 कैंडिडेट्स बाहर हुए थे और 101 को रनिंग में ले लिया था। SRT में सब में से ओनली 4 स्टूडेंट बाहर किए थे, मतलब उन्होंने SRT में जो इनके 101 थे उनमें से 4 को ही बाहर किया था। तो ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि SRT ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप लोगों को लगता है कि हार्ड है लेकिन हार्ड नहीं है। SRT से मेरा मतलब है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जिसको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद GD, जो कि ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं, GD में मेरे 15 के बैच में से 9 पास किए थे। अच्छा, आप लोग समझ लीजिए, टोटल अराउंड, ये देखिए आप, टोटल अराउंड
280 के बच्चों में से मेडिकल के कॉल लेटर 130-140 को ही दिया था, मतलब हाफ़ कर दिया था, हाफ़ हाफ़ बच्चों को देते हैं वो लोग मेडिकल के लिए, इतने बच्चे बच जाते हैं। एंड उनके 45 के बैचेस बना दिए थे मेडिकल के लिए। ठीक है, आपने GD अच्छा कर दिया ना और फिजिकल, तो बस आपका हो गया ये समझ लीजिए। एंड मेडिकल की डेट एंड लोकेशन बता के कॉल लेटर दे के भेजा, तो ये सब चीज़ उन्होंने बता दिया आपको, सब कुछ समझा दिया, उसके बाद कॉल लेटर दे दिया। और उसके बाद इन्होंने लिखा है लास्ट में कि आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी डिटेल। भाई आपने सब कुछ बता दिया, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो। आई होप इट विल मेक योर वर्क ईजी इन मेकिंग वीडियो। भाई मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, मैंने तो बस जो आपने लिखा था वो पढ़ दिया है। आपने जो किया ना इतना बेस्ट है ना कि मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। दो स्टोरी मैंने पहले पोस्ट की थी, लेकिन अभी जो लोग देख रहे होंगे उनको भी समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। मतलब आपने टू गुड, बहुत ही बेस्ट। एक बार फिर से दिल से थैंक यू आपको कि आपने इतने अच्छे तरीके से सब कुछ बताया। और ये है लास्ट स्टोरी, इसके बाद कोई स्टोरी नहीं आएगी क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है आप लोगों को। अब इससे ज़्यादा क्या बताया जा सकता है। तो बस यही सब था आप लोगों के लिए। आप लोग अच्छे से एक दो बार इस वीडियो को देख लेना, सब कुछ समझ जाओगे और बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा फेज़ टू में आपको। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो तो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जैसा कि मैंने बोला ज़रूर करना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और क्या है सजेशन आपके और कैसी लगी वीडियो आपको, इसका राय भी आप दे सकते हो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हो आप, नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और FB पेज की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।